नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मगध प्रमंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर जी हैं। इनसे जानेंगे कि एक कुर्था विधानसभा से अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और कुर्था के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में आने का इच्छा कैसे जगी और कुर्था के लिए क्या क्या करेंगे अगर आम आदमी पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। सर, समाज सेवा में आने का इच्छा कैसे हुआ आपका? कोई घर में, परिवार में, राजनीति में? हाँ, मेरे चचा जी बस चढ़कर भाग लिया करते थे, जो बलजंगी सिंह जी अभी नहीं हैं मेरे चाचा जी। मैंने जब पटना में कदम रखा, इसके पहले मैं दिल्ली में था, उसके पहले मैं विदेश से डिग्री लिया है। जब विदेशों में मैं गया और यहाँ से तुलना किया बिहार और इंडिया से, तो हम लोग के पास स्किल है, नो डाउट, लोग तेज तरार हैं, नो डाउट, लेकिन जो कार्य करने की शैली है, और कार्य करने की शैली डिपेंड करता है आदमी का जो स्किल होता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट जो होता है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, किन किन लोगों को सपोर्ट करती है, किस किस दिशा में सपोर्ट करती है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, तो एक तभी सर्वांगीण विकास होता है। विदेशों में मैंने देखा है तो वहाँ फुल्ली सपोर्टेड होता है गवर्नमेंट से, जिससे कि देश का तरक्की, जो भी देश है, अधिकतर देशों का तरक्की बहुत आगे होता है। लेकिन इंडिया में सब कुछ रहते हुए भी यहाँ की जनता, जो भी सरकार आती है, उसके इर्द गिर्द चाटुगार बन के रह जाता है। कारण जो भी समस्याएं हैं, जो भी फंड आता है, वो डायरेक्ट लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। जैसा बहुत सारे पॉलिटिशियन कह चुके हैं कि यदि एक रुपया चलता है दिल्ली से, तो लोगों के पास पहुंचने में, लोगों के पॉकेट में पहुंचते पहुंचते 20 पैसा भी निकल जाता है, तो ये जो 80 पैसा हुआ वो कहाँ गया, तो फिर विकास कहाँ से होगा। तो उसे डायरेक्ट लाना, और जो बेसिक समस्या है यहाँ, शिक्षा। अब शिक्षा में क्या है, दूसरे देशों की तरह यहाँ मुफ्त शिक्षा होना चाहिए, या स्वास्थ्य है, या रोजगार है। अब शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं कि मेरा देश अभी विकासशील, विकसित नहीं है, विकासशील है, उसके बावजूद भी फ्री शिक्षा होना चाहिए, फ्री शिक्षा होना चाहिए। उसमें टीचर लोग का योगदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर एक राज्यों का अलग अलग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना कैपेसिटी है, उसके अंतर्गत काम करता है। लेकिन बिहार में यदि शिक्षा कॉलेज स्कूल्स में यदि कोई टीचर हैं, तो उन्हें शिक्षा का दायित्व कम और दूसरे दायित्वों को ज़्यादा निभाने के लिए दिया जाता है। जैसे जनगणना करने के लिए दे दिया जाता है, खाना बांटने के लिए दे दिया जाता है, कभी कभी सरकार बुला लेती है कि मेरे कामों में लगिए, शिक्षा जो मेन उद्देश्य है उससे गायब हो गया। जैसे कि पैसा का बंदरबांट हो गया, 100 में कम से कम 80 भी मिलना चाहिए तो 20 मिल रहा है, वही शिक्षा में भी बंदरबांट हो गया। इसमें बिहार सरकार ही नहीं दोषी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है कि भाई शिक्षा कितना मिलना चाहिए, जो टीचर का जो स्किल पावर है वो कितना जाना चाहिए स्टूडेंट के पास, ये तो नहीं जाता है। उन्हें लोगों को विभिन्न विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं और इसका कोई देखभाल नहीं करता है। गजब का राजनीति है। उसके बाद टीचर भी नहीं होते हैं। अभी देखिए, अभी हाल ही में आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट आया है, उसमें 270,000 टीचर्स की कमी है बिहार में, सबसे ज़्यादा बिहार में कमी है। तो नीतीश जी का क्या कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम है कि इतने सारे भर्तियाँ बाकी है और अभी कुछ भर्तियाँ करवाएंगे। अभी बहुत सारे देखिए, प्रधानमंत्री और किनका अभी शिलान्यास होगा, क्यों शिलान्यास अभी कर रहे हैं? आप वोट लेने के लिए शिलान्यास करेंगे? अभी स्कूल कॉलेज खोलेंगे, स्कूल कॉलेज हम खोलेंगे वोट लेने के लिए? तो बिहार का आम आदमी इतना बुड़बक नहीं है, जनता बुड़बक नहीं रह गया है। 15 साल चाचा भतीजा दोनों मिलके यहाँ सेवा दी है, दोनों ने लूटा,
तो अभी बिहार के जनता को न चाचा का जरूरत है न भतीजा का जरूरत है, किसी तीसरे आदमी का जरूरत है जो दोनों को माप दे, तभी बिहार चलेगा। और जैसे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की कहने के लिए जरूरत नहीं है कि बिहार में क्या स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। कोरोना काल में आपने देख लिया, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रोजगार के मामले में आपको मालूम ही है कि बिहार में क्या हाल है, यहाँ कंपनियाँ बंद है, रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, दूसरे दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अब कोरोना काल में देखिए क्या हुआ, उसके लाने के लिए उस कंडीशन में यहाँ बिहार के पास पैसा नहीं था कि उसको ला सके, उसको दो रोटी का वक्त दे सके। वो सरकार यदि अभी चुनाव में जाएगी वोट मांगने, मैं नहीं समझता हूँ कि किस लिहाज से वो वोट मांगेगी और यहाँ का बेरोजगार जनता यंग लोग कैसे वोट देगा। लेकिन इस कोरोना काल में जहाँ पर इलाज नहीं हुआ, ये लोग सबसे पहले तैयार है कि चुनाव हो और मेरा कुर्सी कैसा बचा रहे, तो ये क्या है, ये सुशासन है। और अभी देखिएगा पोस्टर में लगा रहेगा कि सुशासन बाबू और तरक्की पक्की, जब नीतीश सरकार है तो तरक्की है और दूसरे सरकार है तरक्की नहीं होगा। अरे दोनों मिल के लुटे, एक सर्किल में लुटे, एक कभी चचा है कभी भतीजा है, कभी भतीजा का काल आ गया तो चचा को बना दिया गया मुख्यमंत्री, कभी भतीजे चचा का आया काम तो भतीजा को मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या मतलब है, इसका मतलब जनता देखती है, एक सर्किल में देख रही है। अरे बाहर देखो जनता, सर्किल में मत देखो, तो घूमते घूमते रह जाओगे। और वही वंशवाद, एक वंशवाद पे है, दूसरा है कि कुछ लोगों को लॉबी मिल के पूरा बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस बार जैसे कि केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल में हर चीज में विकास किया है, शिक्षा मुक्त किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, खुशहाल किसान के क्षेत्र में, जैसे जैसे जो जो कार्य किए हैं, हमारे दिल्ली मॉडल को अपनाइए। और मैं कहूँगा कि अक्षरशः केजरीवाल सरकार का जो भी कायदा कानून और अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य योगदान दिया है उसका पालन करें और बिहार में भी पालन करवाएं। ये तभी होगा जब आम आदमी को सपोर्ट कीजिए। और एक बार आपने 30 साल झेला, आप एक बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर देखिए, जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर देखिए, तो बिहार भी बदलेगा। हमारा दिल्ली की तरह बिहार भी बदलेगा, बिहार में भी शिक्षा आएगा, बिहार में भी पुलिसिया अत्याचार नहीं होगा, बिहार में भी रोजगार मिलेगा और जो स्वास्थ्य का हाल बिहार में है वो ही सुधरेगा। यहाँ पर PMCH NMCH ऐसे ऐसे संस्थान में जो कि पैसा बहुत आता है लेकिन यहाँ कुत्ता घूमते हैं, यहाँ के वार्ड में जगह नहीं है लोगों को पढ़ने के लिए, खाली जब वार्ड में जाया जाता है तो पता चलता है कि भर ढूंढ पानी है, ना ही व्यवस्था है, गैस का व्यवस्था है, ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर की व्यवस्था है, ना ही नर्सेज की व्यवस्था है। ये किसके कारण है, यहाँ के गवर्नमेंट के कारण है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण है। लेकिन वोट लेने के समय ये लोग आएंगे कि हम रोजगार देंगे, अभी बहुत सारा वैकेंसी निकलेगा, रोजगार देंगे, ऐसा छलावा ना कीजिए। अभी देखिए बिल पास किया जा रहा है, अभी एक बिल आया है किसानों के लिए, बिल आया है, ये क्या जरूरत है भाई। अभी कोरोना काल में बेरोजगारी है, शिक्षा का क्षेत्र में काम करना है, स्कूल कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रहा है, उसके लिए काम करना है, तो एक अलग बिल ला दिए। इसके पहले 2019 में जब इलेक्शन जीत के आए तो क्या क्या किया इन्होंने, एक नया NRC और क्या क्या दूसरे कानून लिया है। कानून से क्या हुआ, लोगों का मन भटकाने के लिए इस तरह का कायदा कानून लाए कि जो मेन मुद्दा है, मेरा विकास का मुद्दा है, शिक्षा रोजगार का मुद्दा है, उससे भटकाव हो और लोग इसी में लगा रहे। तो इस तरह का भटकाव हमेशा किया है सरकार। जैसे इसके पिछली बार देखिए राम मंदिर का मुद्दा गायब हो गया, जैसे ही मुद्दा गायब हुआ एक दूसरा मुद्दा ले आते हैं जो कि यहाँ के जनता लोगों से दरोकार नहीं है, उस तरह के मुद्दे को लाया जाता है। इस चुनाव में भी उसी तरह का किया जाएगा। अभी देखिए क्या मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए था, यहाँ स्वास्थ्य के मुद्दा होना चाहिए, यहाँ बाढ़, बिहार में देखिए बाढ़ आया हुआ है। ये क्या बाढ़, हमेशा सोचते हैं कि बाढ़ नेचुरल बाढ़ है, नहीं, ये नेचुरल बाढ़ नहीं है। अभी देखिए बाढ़ लाया गया है, बाढ़ को लाया जाता है, हमेशा लाया जाता है, बतला रहे। जितने सारे पुल पुलिया हैं आपने देखा होगा कि कई सौ करोड़ लोग 150 और मोर देन 150 करोड़ का पुल धराशायी हो जाता है। दिल्ली में देखिए कितना अच्छा पुल बना हुआ है, उस पर घूमिए आपको मन लगेगा। और यहाँ पर अभी तैयार भी नहीं हुआ है वो पुल गिर जाता है। अभी दो दिन पहले का बात है, किशनगंज का पुल देखिए वो भी धराशायी हो गया। अरे इसका जनता का पैसा आपने लूट के पॉकेट में रख लिया, इलेक्शन में भी गुंडे लोगों को खड़ा कर रहा है,
सभी पार्टी हो, भाजपा भाजपा हो, जदयू हो या राजद हो, और भी पार्टी गुंडे लोग का खड़ा टिकट दे रहे हैं और उस पैसा का आपने यूज करेगा और जनता जनता भाड़ में जाए। तो आप लोगों को इतने सारे घोटाला हुआ, नीतीश जी के सरकार में भी घोटाला हुआ, उसके पहले के भी सरकार में घोटाला हुआ, क्या घोटाले का पर्दाफाश आप लोग नहीं कीजिएगा? बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ और सारे कितना घोटाला, नाम लेते हुए हमें आपके द्वारा इस लॉकडाउन में कुर्था विधानसभा में क्या क्या किया? मैंने कुर्था विधानसभा का भ्रमण किया, लोग बहुत गुस्से में हैं। मैंने पल्स ऑक्सीमीटर से लोगों को जांच भी करवाया, पहले आपका हेल्थ रहेगा तभी आप चुनाव में आइए और वोट दीजिए। इसलिए मैंने जहां भी गया वोट नहीं मांगने गया, मैंने कहा स्वस्थ रहिए पहले, स्वास्थ्य जो भी समस्या है, हेल्थ का जो भी समस्या है, सॉरी हेल्थ का जो भी समस्या है, मेरा एक छोटा सा क्लिनिक हॉस्पिटल है जो कुछ डॉक्टर मिलकर चलाते हैं, ओपन हॉस्पिटल। मैंने कहा कि यदि रात हो या दिन हो, किसी भी समय किसी को कोई जरूरत पड़े, ऑक्सीजन का जरूरत पड़े या और भी कोई ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े, तो मेरे हॉस्पिटल में बेधड़क आइए और लोग आते हैं, मैं पहले सेवा करूंगा उसके बाद वोट मांगूंगा। अभी हमें वोट की जरूरत नहीं है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट मांग रही है कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, फिर से कुर्सी पर बैठा दो, फिर मैं घोटाला करूंगा और फिर जनता भाड़ में जाएगा। मैं वैसा नहीं, मैं कुर्था की जनता को अभी भी कहता हूं कि पहले अपना स्वास्थ्य को ठीक करो, अपना हेल्थ को ठीक करो, अपना रोजी रोजगार के लिए चिंता करो और उसके लिए मैं हमेशा साथ हूं। यदि मेरा सरकार आएगा, अभी तो मैं हेल्थ देख रहा हूं, उसके बाद मैंने किया है कि वहां जो भी स्वास्थ्य सेंटर जो भी पीएससी है उसको मैं सुधारूंगा, वहां पर डॉक्टर की व्यवस्था करवाऊंगा, वहां पर नर्सेस की व्यवस्था कराऊंगा, वहां पर मशीन की व्यवस्था कराऊंगा। बहुत जगह तो वहां छोटा छोटा मशीन भी नहीं है, वहां पर एक्सरे था। विधानसभा में स्वास्थ्य की सेवाओं को तेजी से लाकर स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, शिक्षा के ऊपर भी कार्य। यस यस, शिक्षा में जितने सारे टीनेजर्स हैं, 10, 10+2 का स्कूल्स नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, यदि है भी वहाँ टीचर नहीं आते हैं, कॉलेज है लेकिन वहाँ पर लड़ाई करेंगे, उनके लिए भी लड़ाई करेंगे। सड़क की समस्या कुर्था में सबसे ज्यादा, सड़क का भी समस्या है, कुछ बना है नीतीश सरकार ने कुछ बनाया है लेकिन बहुत सारे समस्या है। सड़क बहुत जगह चौड़ी होनी चाहिए, उनके गड्ढे में गिर जाता है, उसके लिए मैं करूंगा। उसके बाद किसान का समस्या है, किसान का समस्या हम देख रहे हैं कि जहां तहां छोटा छोटा विवाद है। नहर जो निकाला गया था बहुत पहले जगदेव जी के समय नहर निकाला गया था और बहुत सारा परियोजना है वो लटका हुआ है, ये लोग नहीं जाते हैं। ये लोग जो विधायक अभी जीतते हैं, जो भी दो टर्म से विधायक जीत रहे हैं, कभी देखने नहीं जाते हैं, वोट लेने के बाद देखने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं देखने जाते हैं? ये लोग पैसा के बल पे वोट लेते हैं और जनता का काम नहीं करते हैं। या पुलिसिया अत्याचार हो या ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाइए, यहाँ के जनता का एक भी काम नहीं होता। एक छोटा सा काम के लिए 500 रुपया देना पड़ता है, एक छोटा सर्टिफिकेट बनाने के लिए 500 रुपया देना पड़ता है। आप देखिए केजरीवाल की सरकार अपने घर पे आकर सर्टिफिकेट बनाती है, 50 रुपया लेती है और अपना फॉर्म फिलअप करती है और वहां पर सर्टिफिकेट बना के जाती है। मैं कुर्था या नहीं नहीं पूरे बिहार में करूंगा, यदि सरकार आएगी तो पूरे बिहार में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। बिहार में क्या केजरीवाल मॉडल लाएंगे? बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, आप मगध प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, क्या सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए इसका निर्णय तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं जानकारी तो होगा नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत जगह हम लोग अप्रोच किए हैं, बहुत लोग नहीं जगह नहीं पहुँच पाए हैं कोरोना काल में, इसलिए सभी सीटों पर लड़ने का हम वायदा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सीटों पे जहां पे लोग किसी के साथ गठबंधन करेंगे, नहीं किसी के साथ गठबंधन जी पप्पू यादव जी किसी के साथ गठबंधन उसी के साथ करेंगे जो मेरा मॉडल केजरीवाल मॉडल को उतारेगा और जिस पार्टी में कोई भी मतलब दाग नहीं हो, जो उतर रहा है उस पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा हुआ, किसी तरह का केसेस नहीं हो, किसी तरह का बैकग्राउंड उसका गड़बड़ नहीं हो। सीएम का चेहरा कौन? देखिए सीएम का चेहरा का बात नहीं, हम लोग अभी पहली बार विधानसभा के कैप्टन नहीं होंगे, है ना, तो मेरे अध्यक्ष जी हैं सुशील कुमार हुए और भी तब के अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं सीएम चेहरा अध्यक्ष होगा यदि, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष सीएम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सड़क तमाम मुद्दे के लिए कार्य करेंगे
और बिहार में आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल मॉडल को सरकार केजरीवाल मॉडल की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे और कुर्था विधानसभा की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा के में अपनी जन समस्या को उठाकर वहाँ की जनता की सेवा करेंगे। यही मेरी आशा है।